हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। टीवी शो इमली के नए ट्रैक में अब आर्यन और इमली की बेटियों की कहानी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट में आर्यन और इमली की तो मौत हो चुकी है और वह अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी दो बेटियां। दोनों बेटियां चीनी और इमली अब बड़ी हो चुकी हैं और शो में 20 साल का लीप भी आ चुका है। साथ ही राठौर फैमिली भी बिना किसी पक्षपात के दोनों बेटियों को अच्छी तरह पालता है। लेकिन आर्यन और इमली के मौत के बीच मालिन ने चीनी को हवा दी और वो पूरे जीवन के लिए अब बदल चुकी है, क्योंकि चीनी अब इमली से नफरत करती है। शो में आगे दो सौतेली बहनों की कहानी देखने को मिलेगी और चीनी इमली को शांति से बिल्कुल भी रहने नहीं देने वाली। चीनी और इमली की लड़ाइयाँ लगातार बढ़ती ही जाएंगी और उसी समय चीनी ये भी मानती है कि राठौर फैमिली हमेशा इमली को ही उससे ज़्यादा प्यार करता रहा है, जबकि इमली हमेशा चीनी को अपनी माँ के रूप में देखती है। इसी तरह से इमली में लीप आने के बाद भी कहानी एक बार फिर से इमली और मालिनी की तर्ज पर ही होने वाली है। दोनों ही सौतेली बहनें थीं और इनकी दुश्मन की कहानी सीरियल में पहले दिखाई गई थी। अब एक बार फिर से चीनी और इमली को दिखाया जाएगा कि वो किस तरीके से नफरत के बीच में एक दूसरे के साथ रहती हैं और कैसे शो की कहानी आगे बढ़ती है। शो में आगे इमली को चीनी मिली है, जो कि उसकी सौतेली बहन है और असल में मालिनी की ही बेटी है। शो में आगे ऐसी ही बातें देखने को मिलने वाली हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग का चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।